ओके कुंबो यांगमा गुड मॉर्निंग इंटरनेट, वेलकम टू आरएन ब्लॉग्स। तो कल जहाँ पे रुके हुए थे आके, उसका थोड़ा नज़ारा देखिए। अभी सुबह सुबह ये है ये कोटेस। गुड मॉर्निंग राजदा। हाँ गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो ये कोटेस में रहा कल, और ये है वो स्टेयर्स। हेलो हेनरी। ये हेनरी है, ये नाव चलाएंगे अभी बोट का। दादा नाम और हेनरी, दादा ये क्या सुना के खास कहाँ पे ले जाएंगे आप? उधर उस साइड बट में इधर में ये और डाउकी ब्रिज में डाउकी ब्रिज जाएगा। और वो है हम लोग का ये पूरा दरंग। दरंग, हाँ ये दरंग है ना, जगह का नाम। जगह का नाम दरंग। बाय बाय। ये जगह का नाम है दरंग। तो इस जगह का नाम है दरंग। आप अगर आते हो यहाँ पे तो रह सकते हो यहाँ पे, बढ़िया है, खाना वाना बढ़िया है, लेकिन थोड़ा लेट पहुँचता है, उपाय नहीं, क्योंकि वो ऊपर से वो लोग लाते हैं। और आने से आप लोग जो जो सामान से एक बार में ऑर्डर दे देना, क्योंकि कम से कम 300 सीढ़ी ये लोग ऊपर से नीचे आने में 300 या तो 220 ऐसा से कुछ सीढ़ी होगा, एक आइडिया से बोल रहा हूँ मैं। तो ये है, तो चलिए हम कल लोग रहे जहाँ पे रहे थे वो दरंग है। हाँ ये खासी जैंतिया हिल्स, खासी जैंतिया हिल्स का डिस्ट्रिक्ट है ये। तो बहुत ही बढ़िया है। तो अभी जा रहे हम लोग अपवर्ड्स में। हाँ पानी तो एक बार तुम्हें एक एक के बाद में एक तो रखा देखा तुम्हें एक कौन तो देखा एक लिखा किन देखा ये जो लिखा हुआ है खासी में ये रिमेम्बर मी मतलब इसका मतलब है। हाँ कुंबो यामा। तो ये खासी वर्ड है कुंबो यामा मतलब रिमेम्बर मी। ओके कुंबो यामा थोड़ा ले लेते हैं उसके बाद फिर। तो नाव से आके यहाँ पे रुके हुए देखिए, ये है वो जगह, ये उधर से हम लोग उस जगह से हम लोग यहाँ अभी यहाँ से और वापस जाएंगे उधर। तो देखिए क्या मस्त नज़ारा है, मस्त नज़ारा। तो ऋषि थोड़ा नाव चलाने की कोशिश, और ये वो आगे जो दिखा रही है गोप्रो में नहीं आ रहा है शायद, वो डाउकी रिवर का ब्रिज है जहाँ हम लोग कल गए थे। कैसा है? तो आगे अपना डेस्टिनेशन तो बोटिंग करके दरंग से निकल लिया हम लोग। तो अभी चलेंगे टूवर्ड्स जुआई ओके गुवाहाटी। तो बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे, कोटेज में रह के नदी के किनारे रात को काफ़ी एंजॉय किए। तो खाना बना भी बढ़िया था, ओनर्स भी ठीक ठाक है, बढ़िया है। तो सिर्फ एक ही दिक्कत है कि बहुत बाइक बीच में पार्किंग करके सीढ़ी उतरना पड़ता है, वहीं कुछ दिक्कत है, बाकी सब कुछ ठीक ठाक है, बढ़िया है। तो आप कभी यहाँ आते हो तो ट्राई कर सकते हो आराम से।
हाँ यहाँ पे लिखा हुआ है कि सीधा गुवाहाटी। ये देखिए कितना बढ़िया नज़ारा, कितना शांत सुंदर, वाह वाह वाह, दूर दूर तक वो सीधा रास्ता दिखाई दे रहा है। और ये आगे यहाँ पे ये रास्ता जाता है, एक फॉल्स है फीफी फॉल्स बोल के, तो चलिए देख के आते हैं क्या है ये फीफी फॉल्स। लेकिन बोर्ड में लिखा था कुछ पी एच ई मतलब हाँ हाँ ये लोग फीफी पी एच ई। अरे क्या क्या इन लोग का भाषा थोड़ा अलग है ना, इसलिए समझ में नहीं आता है। तो हम लोग का वहाँ होने से तो पी एच ई बोल वाह आदमी लोग बोलते थे, लेकिन ये लोग पी एच ई। सर पूछा था मैंने, बोलता कि फीफी वाटरफॉल्स है, जाओ दिख के आओ, ऐसे बोला था। गाँव है तो यहाँ पे गेट लगा दिया है, तो यहाँ पे 20 रुपीज पर हेड मतलब बाइक देना पड़ता है, बाइक और गाड़ी और 20 रुपीज। ये छोटा ना यहाँ पे टोल टैक्स लगाए हुए ठीक है, अच्छा है गांव में, ये लोग का भी कुछ निकल जाता होगा। तो देते हैं फीफी वाटर फॉल्स, आ ही रहे फॉल्स नहीं मिल रहा है, काफी ऑफरोड है रास्ता, काफी ऑफरोड है भैया। वो आगे की फॉल्स लेके एक कपल शायद जा रहा है, क्या हो गया भैया यहाँ पे क्या हो गया? हाँ अरे जा सकते थे, सोता पानी है, चलो 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 निकलो, अरे आराम से निकल जाएगा। वो इम्पल्स वाले बोल रहे कि नहीं जाने देगा, क्यों नहीं जाने देगा यार, जाने देगा, चलो चलो थोड़े ही ना, थोड़े ही बड़ा तालाब है, चलो ऋषि चलो। हाँ चलो, अरे पूछने की जरूरत नहीं है भैया, चलते रहो। वो गाड़ी धो रहा है मारुति वाला, हाँ ये लो लगा दिया पानी में, चलो। वाओ क्या साफ पानी है यार, बिल्कुल नीचे का दिखाई दे रहा है, पानी भी ज्यादा नहीं है, ये लोग इसी पानी में अपनी मार्केट को नहा रहे हैं। हाँ यहाँ पे थोड़ा ज्यादा है पानी, हाँ तो चलिए अभी, और कितना दूर है आगे मालूम नहीं है, चलते बने कहाँ है भाई वाटरफॉल्स, नाम ही नहीं दिख रहा है, जाके मालूम करेंगे, तो चराई है थोड़ा ये, तो चलिए। अरे यहाँ पे तो गाड़ी दिखाई दे रहा है, अभी मालूम चलेगा कि क्या। वाह ओ यहाँ पे तो कुछ नजर आया लगे, हाँ ओके पे पार्क कर देते हैं अब बाइक, बाइक पार करने के बाद फॉल्स तो मुझे दिखाई दे रहा है, तो रहा वाटर फॉल्स के लिए इतने दूर हम लोग पहुंच गए अंदर, बढ़िया है, लेकिन पानी है, लेकिन थोड़ा बारिश बुरी गिरने से ये फिर ज्यादा से गिरेगा, बड़ा आगे गिरेगा, बढ़िया वो दिखाई दे रहा है, बोपरो में थोड़ा छोटा आ रहा है। चलिए वापस चल रहे हैं अभी, तो ये है जहाँ से हम लोग रास्ते से, ये देखिए फीफी फॉल्स, वेलकम टू फीफी फॉल्स। तो चलिए अभी आगे तुमदा और चक्ते जी रुके हुए हैं, वो लोग वाटरफॉल्स का वो दिखाई नहीं, डायरेक्ट सीधा चला गया, हम लोग सिग्नल भी दे दिया था लेकिन उनको मालूम नहीं चला, वो ऐसे ही चला गया। तो अभी जाते हैं उनसे मिलते हैं, चलिए। रोड काफी बढ़िया है जैसे कि पहले भी बोले थे, तो चलिए रोड का मजा लेते हैं आराम।
कैपिटल हाईवे है। तो आ पहुंचे खाना खाने के लिए, ये हाई विंड्स यहाँ पे। तो अभी टाइम हो रहा है 1:30, इसीलिए खाने का टाइम है। थोड़ा नाश्ता वास्ता कर लेते हल्का फुल्का, फिर अगले ब्लॉग पे। तो यहाँ पे लंच चालू, तो लंच में ये है प्लेन चावल, यहाँ पे आ गया दाल, और कहीं पे ये है नींबू, दे दो भैया ये चिली, पोर्क विद बैम्बू सूट, ये चिकन। तो अभी सब लोग दबा के खाएंगे, ठीक है। खाने के बाद फिर यहाँ से 3 घंटा लगेगा गुवाहाटी पहुँचने में, शायद शाम हो जाएगा। चलिए, तो खाना वाना खा के अभी थोड़ा यहाँ पे बैठते हैं थोड़ा आराम करने के लिए। तो कुतुबदा लास्ट साइड, अभी आज तो ख़त्म हो जाएगा, लास्ट डे ऑफ द राइड, लास्ट डे ऑफ द राइड, राइट। यहाँ पे सत्यजीत वहाँ ऋषिकेश कुछ मोबाइल में बिजी एस यूजुअल। तो अभी निकलते हैं, 2:45 हो गया। तो होटल का ये बाहर, यहाँ बाहर का नज़ारा। तो यहाँ लॉजिंग भी है यहाँ पे। तो खाना वाना खा के दबा के अभी निकलते हैं अपने मंजिल की तरफ गुवाहाटी। चलिए, काफ़ी अच्छा होटल था, खाना भी बढ़िया था, दबा के पेट पूजा कर लिया। ये शायद ओयो में भी है शायद ये होटल, आप ट्राई कर सकते हो कभी इस रोड से आने से। तो हम लोग सीधा जाएंगे राइट साइड में, कहाँ जाता है मालूम नहीं है। तो हम लोग का रूट है सीधा, तो हम लोग जाएंगे सीधे रास्ते से भैया। तो चलिए चलते बने, चला जाता हूँ डंग 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 डड़ा डड़ा डड़ा, ओ हो 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 हो, वाह 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 वाह, क्या नजारा है, वाह। चलिए चलिए, गाड़ी वाले भाई साहब थोड़ा साइड दे दो यार। हाँ चल भगाते हैं अभी अपना गरीबी होकर दुकाटी। चलो भैया, रास्ता मक्खन जैसा रास्ता है, पहले जैसे बोला था कि मक्खन जैसा रास्ता बढ़िया है, और ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, ट्रैफिक ज़्यादा नहीं है, मतलब ट्रैफिक नहीं बोल सकते, बिल्कुल ही ट्रैफिक नहीं है, तो बढ़िया है काफ़ी, इसलिए चला के मज़ा आता है इस रास्ते से। देखिए ना दोनों तरफ क्या बढ़िया है, और बड़े बड़े पेड़ पूरा उसके बीच से झरक। तो चलिए आगे आगे है ऋषिकेश, वो अभी लीड रह रहा है ऋषिकेश, मैं उसके पीछे हूँ, लेकिन थोड़े आगे जाके मैं लीड हूँ, ठीक है। अपन अभी दबाएंगे जोरों शोरों से,
के आगे। वाह ये कुछ कोड़े कितना किलोमीटर है गुवाहाटी लिखा हुआ है। तो चलिए
आप ऊंचे नंगो नंगो आके ये उसमें थोड़ा चाय चाय पी लिया। तो अभी यहाँ से गुवाहाटी कितने किलोमीटर है? 37 किलोमीटर यहाँ से गुवाहाटी, तो आधे घंटे में पहुँच जाएगा आराम से अगर उधर ट्रैफिक ना मिला तो। चलिए ये लीजिए आगे गुवाहाटी। वाओ आगे देखिए क्या नजारा, थोड़ा शाम हो रहा है, बढ़िया दिख रहा है फ्रंट का व्यू। तो आप पहुँचे काफी पहाड़ों के बीच चला चला के आप पहुँचे अपना गुवाहाटी। फिर से वही भीड़ भाड़, चलिए उपाय नहीं है, जिंदगी फिर से शुरू करना पड़ेगा। 2-3 दिन ऐश कर लिया थोड़ा, तो ऐसे ही मस्त राइड से जुड़ने के लिए अपने चैनल के साथ जोड़ते रहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए, तो क्योंकि आप लोग का सपोर्ट चाहिए। जा रहा है घर, यहाँ से सीधा जीत रहेगा ऋषिकेश के पास। तो हम लोग का ये छोटा एक राइड, तो बढ़िया ओके हाथीगांव सरियाली। हाँ तो आप पहुँचे हाथीगांव सरियाली, तो कुटुम जा फिर मिलेंगे कुटुम दा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट साइड में, नेक्स्ट राइड में जल्दी ही। तो यहाँ से चालू हुआ था राइड, यहाँ पे आके ख़त्म। तो ज़्यादा लंबा नहीं कर खींचूँगा ब्लॉग को, तो आज के लिए इतना। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिए, जल्दी जल्दी सपोर्ट कीजिए। फिर दोस्त आएगा, फिर नए नए जगह में जाएंगे, तब सपोर्ट कीजिए भैया, ठीक है? ओके बाय बाय।